हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अगर आपको प्रीवियस सेशन में प्रमोशन नहीं मिला था तो आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि इग्नू की तरफ से जो प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको ये बताया गया था कि इग्नू के ऐसे जितने भी स्टूडेंट प्रमोट होने के लिए एलिजिबल है, अगर वो एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हैं तब भी उनको प्रमोट किया जाएगा। पर इग्नू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और आपको प्रमोट नहीं किया गया। पर इग्नू की तरफ से अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने प्रीवियस सेशन में एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया था और आप प्रमोट होने के लिए एलिजिबल थे तो आपको प्रमोट कर दिया गया है, और जो प्रमोशन का नंबर है वो आपके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया है। और ऐसा हो नहीं सकता कि इग्नू की तरफ से कुछ अपडेट किया जाए और उसमें एरर ना हो, तो इसमें भी कई तरह के झोलझाल भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखना, आपको हर एक चीज के बारे में पता चल जाएगा। साथ ही में आपको नंबर किस तरीके से दिए गए हैं वो भी आपको इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट को जो प्रमोट किया गया है उनका नंबर जो है ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, जुलाई 2019 का एडमिशन है और ये प्रमोट होने के लिए एलिजिबल थे और इनको प्रमोट कर दिया गया है। और नंबर किस तरीके से दिया गया है, एवरेज निकाला गया है और उसी तरीके से नंबर दिया गया है। देख सकते हैं सभी में जो है 49 नंबर दिया गया है। इसी तरीके से एक और स्टूडेंट का देख सकते हैं, ये भी जुलाई 2019 के स्टूडेंट है, यानी कि जुलाई 2019 का इनका एडमिशन है, तो इनको प्रमोट किया गया है और जो प्रमोशन का नंबर है इनके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया गया, एवरेज निकाला गया और सभी में जो है 52 नंबर दिया गया है। एक और स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, जुलाई 2019 का इनका रजिस्ट्रेशन है और ये प्रमोट होने के लिए एलिजिबल है और इनका जो प्रमोशन का नंबर है वो इनके ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया है, एवरेज निकाला गया और सभी में जो है 46 नंबर दिया गया है। और अब बात करते हैं कि जो प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको क्या बताया गया था। तो प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था इसमें आपको ये बताया गया था कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जो प्रमोट होने के लिए एलिजिबल है, अगर वो एग्जाम फीस सबमिट नहीं करते हैं तब भी उनको प्रमोट किया जाएगा। पर इग्नू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और आपको प्रमोट नहीं किया गया। पर अब जो अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग अब आपको प्रमोट कर दिया गया है, यानी कि आपने प्रीवियस सेशन में एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया था तब भी आपको प्रमोशन मिल चुका है। और अब मैं आपको ये स्टूडेंट का ही डिटेल दिखा देता हूँ कि ये स्टूडेंट ने अपना एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया था और इनको प्रमोशन मिला है। मैं आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर दिखाऊंगा, सिर्फ लास्ट का 2 अंक ही दिखाने वाला हूँ जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हॉल टिकट जब जारी किया गया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि आपको कितने सब्जेक्ट में प्रमोशन मिला है। तो यहाँ पर मैंने इनका एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है, सब कुछ आपके आगे ही कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रोग्राम कोड भी डाल दिया है और यहाँ सबमिट पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको प्रमोशन नहीं मिला है। और जितने भी स्टूडेंट है जिनको प्रमोशन मिला था तो उनका आप हॉल टिकट चेक करेंगे तो उनमें बताया गया है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में प्रमोट किया गया है। और इस स्टूडेंट का मैंने आपको दिखा दिया, इन्होंने एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया था तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इनको जो है किसी भी सब्जेक्ट में प्रमोशन नहीं मिला है, पर जो अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग इनको प्रमोट कर दिया गया है। तो अगर आपको प्रमोशन मिला है तो आप हॉल टिकट चेक करेंगे दिसंबर 2020 सेशन का, तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रमोशन मिला है। और जो भी स्टूडेंट प्रमोट होने के लिए एलिजिबल थे और उन्होंने जो एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया है तो उनका आप चेक करेंगे तो यहाँ पर यही बताएगा कि एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिनको प्रमोशन नहीं मिला था तो उनको ही प्रमोशन मिल चुका है। और अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके से प्रमोशन का नंबर वगैरह दिया गया है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ एरर भी है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। प्रमोशन का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें आपको ये बताया गया था कि आपको जो प्रमोट किया जा रहा है वो किस बेसिस पे किया जा रहा है, जिसमें आपको बताया गया था कि आपको नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे, यानी कि आपका जो असाइनमेंट का नंबर है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, और जो आपका एग्जाम का रिजल्ट है उसके बेसिस पे आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने असाइनमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट कर दिया है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, और सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिला है तो उसका नंबर भी यहाँ पर एवरेज निकाल करके दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, इन्होंने अभी तक जो है सेकेंड ईयर का असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है फिर भी इनको जो है प्रमोशन मिल चुका है और इन्होंने प्रीवियस सेशन में एग्जाम फीस भी सबमिट नहीं किया था। और साथ ही में एक और स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, इन्होंने भी असाइनमेंट सेकेंड ईयर का सबमिट नहीं किया है लेकिन इनको फिर भी प्रमोशन मिल चुका है और एवरेज निकाल करके 46 नंबर इनको दे दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिला है तो जो आपका फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी एग्जाम है उसी के बेसिस पे आपको नंबर दिया गया है, असाइनमेंट का नंबर अपडेट नहीं हुआ उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो प्रमोशन का नंबर है वो अपडेट कर दिया गया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रमोशन का जो नंबर है वो किस तरीके से आपको दिया गया है, यानी कि नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ही ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको सब कुछ दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ
यहाँ पर आप एक स्टूडेंट का देख सकते हैं, मैंने समय को ध्यान में रखते हुए सब कुछ को यहाँ पर नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक स्टूडेंट का ग्रेड कार्ड है। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम इनका डिटेल चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया है कि जो भी 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट है पहले उसको 8 क्रेडिट में कन्वर्ट किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका फर्स्ट ईयर के बेसिस पे इनको प्रमोशन मिला है, यानी कि फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो चुका है तो उसी का जो एवरेज निकाला गया है उसी के आधार पर इनको नंबर दिया गया। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं BHDF 101, और यहाँ पर ये रहा BHDF 101 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया है। और FHD 2 ये भी 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये रहा FHD 2 और ये 4 क्रेडिट का, यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर लिया। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी 8 क्रेडिट के सब्जेक्ट है जैसे कि BSHF 101 ये 8 क्रेडिट का है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। EHI 2 ये भी 8 क्रेडिट का है, और साथ ही में EPS 11 ये भी 8 क्रेडिट का है। और इनको जो नंबर दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इनका ग्रेड कार्ड ओपन करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको जो ग्रेड कार्ड में जो भी नंबर दिया गया है वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BHDF 101, यहाँ पर ये रहा BHDF 101, इसमें 54 नंबर दिया गया, नोट डाउन कर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पर FHD 2 हो गया, इसमें 56 नंबर दिया गया, यहाँ पर ये रहा FHD 2, इसमें 56 नंबर। और इस तरीके से यहाँ पर और भी जो सब्जेक्ट है जैसे कि BSHF 101 हो गया, इसमें 42 नंबर दिया गया है, तो BSHF 101 ये रहा 42 नंबर। और EHI 2 इसमें 47 नंबर दिया गया है, ये रहा EHI 2, यहाँ पर 47 नंबर दिया गया है। और EPS 11 में 51 नंबर दिया गया है, तो ये रहा EPS 11 और इसमें 51 नंबर दिया गया है। तो मैंने जो भी सब्जेक्ट है जिसमें भी जितना भी नंबर दिया गया फर्स्ट ईयर में उसको नोट डाउन कर लिया है। और अब बताता हूँ कि यहाँ पर इनको नंबर किस तरीके से दिया गया है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं, तो ये रहा कैलकुलेटर, और अब मैं आपको कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूँ। तो सब कुछ आपके आगे ही करने वाला हूँ, आप इसको बिल्कुल ही ध्यान से समझ लेना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, शायद आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि जो भी 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है इसको आप प्लस कर लेंगे, जैसे कि 54 हो गया प्लस में 56 हो गया, और यहाँ पर टोटल होते हैं 110, तो मैंने यहाँ पर 110 नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें को इसको 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है तो इसको 8 क्रेडिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55। तो यहाँ पर ये अब जो है 8 क्रेडिट में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने 55 लिख लिया है। और उसके बाद क्या किया गया है कि जो भी 8 क्रेडिट के सब्जेक्ट है इसको आप सभी को प्लस कर लीजिए, जैसे कि 42 हो गया, 47 हो गया और 51 हो गया, तो सभी मिला के होते हैं नंबर। और ये जो 55 है इसको भी आप इसी में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर टोटल बन जाते हैं 195। तो यहाँ पर देखे दोनों को मैंने टोटल कर दिया, 195 हो गया। और उसके बाद आप इसको फिर से डिवाइड कर दीजिए 4 से। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब टोटल 4 सब्जेक्ट हो चुका है। यहाँ पर जो 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट थे इसको हमने 8 क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये अब 1 सब्जेक्ट हो गया और ये 3 सब्जेक्ट, तो 4 हो गया। तो यहाँ पर जो भी टोटल नंबर आया है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो परसेंटेज आएगा यहाँ पर आप देख सकते है एवरेज निकल करके आ चुका है। और एवरेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले ही लिख करके रखा है 48.75 बनते हैं, और पॉइंट के बाद अगर 5, 6, 7, 8 या फिर 9 रहता है तो उससे अगला नंबर काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो है 49 नंबर काउंट किया जाएगा। और इनका आप यहाँ पर डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 49 नंबर ही दिया गया है, एवरेज निकाल करके यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। और अब मैं आपको एक और स्टूडेंट का दिखाता हूँ कि इनको किस तरीके से नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज तो निकाल लिया गया है कि सभी में 52 नंबर दिया गया, पर इसको किस तरीके से काउंट किया गया है वो भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने इनका सभी डिटेल पहले ही ऑलरेडी लिख करके रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी 4 क्रेडिट के सब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो जैसे कि 40 हो गया, और उसके बाद जो है 38 दिया गया है, इसको हम इक्वल करेंगे तो 78 नंबर आता है। और इसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर बनता है 39 नंबर, यानी कि 4 क्रेडिट का जो सब्जेक्ट है वो 8 क्रेडिट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद जो भी 8 क्रेडिट का सब्जेक्ट है इसको आप सभी को ऐड कर लीजिए, तो पहले दिया गया 57, उसके बाद 58 और उसके बाद दिया गया 53, तो यहाँ पर होता है 168। और इसमें जो आपका 39 आया था वो भी आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर हम इसको भी ऐड कर देते हैं, पूरे होते हैं 207 नंबर। और उसके बाद इसको आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, क्योंकि हमारे पास टोटल अब 4 ही सब्जेक्ट बचे हैं, तो यहाँ से हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बनते हैं 51.75। और यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 है, तो इसको जो है अगला नंबर काउंट किया जाएगा
जाएगा, यानी कि 52 यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 52 ही इनको दिया गया है। और इसी तरीके से एक और स्टूडेंट का आप देख सकते हैं, इनका भी इसी तरीके से एवरेज निकाला गया है और 46 नंबर दिया गया है। तो एवरेज आपको अच्छे से निकालना आ गया होगा शायद, अगर नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले जिनको भी प्रमोशन मिल चुका है, यानी कि जिनको पहले प्रमोशन नहीं मिला था उनको प्रमोशन मिल चुका है, ठीक है, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम फी सबमिट कर दिया है, यानी कि उनको पता था कि अब तो प्रमोशन मिलने वाला नहीं है, तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम फीस अभी जून 2021 एग्जाम के लिए सबमिट कर दिया है, तो उनके एग्जाम फीस का क्या होगा। जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने तो खैर अभी एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया है, इनका आप देखेंगे तो यहाँ पर यही बताएगा। साथ ही में एक और स्टूडेंट है, इनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इन्होंने शायद एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है, तो देखिये इन्होंने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है। और एक और स्टूडेंट है, इनका भी आपको दिखा देता हूँ, तो इनका भी चेक कर लेते हैं, तो इन्होंने भी एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है। एग्जाम फीस कब सबमिट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 जून को इन्होंने एग्जाम फीस सबमिट किया है, जिस भी सब्जेक्ट में इनको पहले प्रमोशन नहीं मिला था उस सब्जेक्ट के लिए। तो अब तो इनको प्रमोशन मिल गया है, तो इनके अब एग्जाम फीस का क्या होगा। तो अगर आप एग्जाम फीस वाले पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज जरूर यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो बोल्ड करके लिख दिया गया है कि अगर आप एक बार एग्जाम फीस सबमिट कर देते हैं तो इसको ना तो एडजस्ट किया जाएगा और ना ही रिफंड किया जाएगा। तो अगर आपने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया है तो ये अब आपको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है। पर इसमें देखेंगे तो स्टूडेंट का गलती नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से ही इसको लेट अपडेट किया गया है। तो स्टूडेंट को तो यही लगा कि हमें तो प्रमोशन नहीं मिला है तो हमको एग्जाम फीस सबमिट कर देना चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, ईमेल आपको कहां पर सेंड करना होगा यहां पर इसके बारे में भी आपको बताया गया है। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे तो ये आपको बताया गया है trumandexam@ignu.ac.in, इस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना होगा। तो आपका जो भी है प्रॉब्लम वो आप ईमेल में बता सकते हैं, और आपको रिफंड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसका कुछ भी कन्फर्म नहीं बताया जा सकता है। और अगर इसको एडजस्ट किया जाता है तो जो आपके थर्ड ईयर का एग्जाम होगा उसमें इसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। और अभी जो मैंने आपको तीन स्टूडेंट का डिटेल दिखाया है, इनसे मैंने फोन पर पर्सनली बात कर लिया है, और इन्होंने एग्जाम फीस सबमिट नहीं किया था और इनको प्रमोशन मिल चुका है, जिसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया है। और इसके अलावा और भी जितने भी स्टूडेंट है जिनको ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है, तो उनका जो नंबर है वो वेबसाइट पर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, तो आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम का प्रमोशन का रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट किया गया है और कौन कौन से प्रोग्रामों का नहीं किया गया। सबसे पहले जो भी BA G BCOM जी BSc जी प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है सेकंड ईयर के बेसिस पे, तो अभी आपका सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है, तो इसलिए अभी आपका प्रमोशन का नंबर वेबसाइट पर अपडेट नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है, जैसे कि BA BCOM BSc BSW BTS या फिर BBA रिटेलिंग, जो भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है जिनको सेकंड ईयर में प्रमोशन मिला है फर्स्ट ईयर के बेसिस पे, तो उनका जो प्रमोशन का नंबर है, अगर फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसका प्रमोशन का नंबर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है। तो आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका प्रमोशन का नंबर है वो अभी अपडेट किया गया है या फिर नहीं। और जो भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिनको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन मिला है सेकंड ईयर के बेसिस पे, तो अभी आपका सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है, इसलिए अभी आपका प्रमोशन का नंबर अपडेट नहीं किया गया है। सिर्फ ओनली जो भी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट है, जैसे कि BA BCOM BSc BSW BTS, तो उनका ही प्रमोशन का नंबर अपडेट किया गया है, जिनका भी क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रमोशन के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो आपको इस नोटिस में बताया गया है, तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया इसमें आपको बताया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको प्रीवियस सेशन में प्रमोशन मिला था या फिर नहीं मिला था, और जो भी इस सेशन के स्टूडेंट है इनका तो ही प्रमोशन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।